अगर किसी को किसी जवान मैयत ने नहीं बदला, अगर किसी की जिंदगी में तब्दीली मौत ने नहीं की, हालांकि ये बराबर टाइम है कि जो हमें इबरत के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जवानी इस चीज की दलील नहीं कि ये हमें मौत से महफूज कर लेगी। बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी कोठियां हमें हमारी मौत से पीछे नहीं कर सकती है। ये मौत लाखों तदबीरों से भी बदल नहीं सकती। जब रब्बे जुलजलाल का हुक्म आ जाता है, उसके बाद फिर हर किसी को सब कुछ छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर रुखसत होना पड़ता है। और फिर याद रखें, अगर मौत अगर इससे कोई बच सकता तो रब्बे जुलजलाल अपने पैगंबरों को, जो अल्लाह के नजदीक सबसे अजीज तरीन तबका है, अल्लाह ताला उनको महफूज कर लेता। मगर ये मौत इंसान को खत्म करती नहीं है, ये सिर्फ इस दुनिया के लिबास को उतारती है। ये लिबास जब उतर जाता है, अभी चंद घड़ियां, ये दुनिया का एक कानून रब ने बनाया है, ये जिस्म हमारे सामने पड़ा है, हमें लगता है कि ये इस वक्त यहां पड़ा है, लेकिन याद रखें चंद लम्हों के बाद जब इस जवान को हम कब्र में उतार देंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते आएंगे, जो इस जवान को बैठा कर ये पूछेंगे, मन रब्बुक मा दीनुक मा कुंत तकून फी हक हाजर रजुल। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, इस जवान के लिए आपका जनाजा पढ़ना और इसके लिए उठाए हुए हाथ और दुआए मगफरत ये रब्बे जुल जलाल की रहमत को आवाज देने के लिए काफी है। इसलिए ना सूट की जरूरत है, ना बूटों की जरूरत है, ना अब खाने पीने की, ये उससे पाक हो चुका है। अब इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है जो इसको रब्बे जुल जलाल की रहमत में दाखिल कर सकती है, वो इस जवान के लिए सबसे बड़ा जरिया दुआए मगफरत का। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फाखलिसु लहु दुआ, जब तुम मय्यत पर नमाज जनाजा पढ़ लो तो मुखलिस होकर उसके लिए फिर दुआए मगफरत करो।